एंड झारखंड लाइव के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का यहाँ पर स्वागत है। तो हम दोस्तों यहाँ पर बात करने वाले हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग जो है वहाँ पर एडमिशन के लिए यहाँ पर नोटिस निकाल दिया गया है, जारी कर दिया गया है। ये नोटिस निकला है 4 ईयर्स का जो कोर्स है बीए का, बीएससी का, बीएड का और इंटीग्रेटेड कोर्स जो है वो यहाँ पर एडमिशन के लिए जो है वो यहाँ पर नोटिस निकाल दिया गया है। तो हम यहाँ पर उसी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं सबसे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स होगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। हम यहां पर झारखंड से जुड़े हुए जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं वो यहां पर हम लेकर आते हैं। तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए देखते हैं किस नोटिफिकेशन में जो है वो क्या दिया गया है। सबसे पहले आप यहां पर देख रहे हैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एमएड के लिए जो डिपार्टमेंट है वह यहाँ पर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग द्वारा जो है वो एडमिशन नोटिस यहाँ निकाला गया है। 4 ईयर्स का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है बीए, बीएससी या बीएड का, तो यहाँ पर उसमें एडमिशन के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। तो अप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन 4 ईयर्स बीए, बीएससी, बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स इज इनवाइटेड फ्रॉम 15 मई 2019 टू 29 जून 2019। ठीक है, तो 15 मई से लेकर आपको यहाँ पर 29 जून तक जो है वो आपको यहाँ पर 2019 से 2023 तक सेशन के लिए आपका यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। और आप यहाँ पर इस वेबसाइट में जाकर जो है www.vbu.ac.in पर जाकर आप वहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से भी डायरेक्टली क्लिक करके आप वहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट जो है उसमें जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें तो एडमिशन जो लेने में, आपको अगर एडमिशन लेना है तो आप जाकर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जारी कर दिया गया है नोटिस और अब जो भी आगे का अपडेट्स आएगा फिर हम आप तक लेकर आएंगे। फिलहाल इतना ही बीएससी बीए जो इंटीग्रेटेड कोर्स है यहाँ पर बीए, बीएससी, बीएड के लिए, उसके लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको इसमें सारी जानकारी मिल गई होगी और इसमें अगर ऑफिशियल वेबसाइट जो है अभी वो नहीं फिलहाल खुल रही है, पता नहीं कुछ इंटरनल एरर लिख रही है, लेकिन जब खुलेगी तो पूरे डिटेल्स वहाँ जो नोटिफिकेशन है वो डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं किसके लिए कितने परसेंटेज मार्क्स चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उतना डिटेल्स दिया नहीं गया है। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर आगे जो भी अपडेट्स होगा हम आप तक जरूर लेकर आएंगे। हम झारखंड से जो छोटी मोटी जो भी अपडेट्स होते हैं वो यहाँ पर हम लेकर आते हैं। तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। फिर अगले अपडेट्स में हम मिलते हैं।